नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से भारतीय संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ। पांडव पांच भाई थे, सभी जानते ही होंगे कि पांडव पांच भाई थे जिनके नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन पांचों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती है। ध्यान रखें कि पांडव के उपरोक्त पांचों पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र के नाम लेना जरा मुश्किल है, इसलिए मैं सीधे अगले पड़ाव पर आती हूँ। अगला पड़ाव हमारा ये है कि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन ने सुनी। आज से लगभग 7000 पहले सुनाई गई थी ये भगवद गीता। और किस दिन सुनाई गई थी? ये रविवार के दिन सुनाई गई थी एकादशी तिथि को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लगभग 45 मिनट। कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और ज्ञान भक्ति कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चिंत परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने सुना था। अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान भगवान सूर्य देव को था। गीता की गिनती धर्म ग्रंथ में आते है। गीता किस महाग्रंथ का भाग है? गीता महाभारत की अध्याय शांति पर्व का हिस्सा है। गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। गीता में 574 श्लोक कहे गए हैं। अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1, संजय ने 40। अपनी युवा पीढ़ी को गीता जी के बारे में जानकारी पहुंचाने हेतु इसे ज्यादा से ज्यादा बताया है। अधूरा ज्ञान चूंकि खतरनाक होता है। 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता हैं हिंदू में। कोटि प्रकार सुनिएगा, देवभाषा संस्कृत में कोटि के 2 अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार होता है और 1 अर्थ करोड़ भी होता है। हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए ये बात उड़ाई गई थी कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब तो मूर्ख हिंदू खुद ही गाते फिरते कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। कुल 33 प्रकार के देवी देवता हिंदू धर्म में 12 प्रकार हैं। आदित्य, धाता, मित, आर्यमा, शुक्रा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूस, सविता, त्वास्था और विष्णु। 8 प्रकार हैं वासु, धर, ध्रुव, सोम, अहन, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाव। 11 प्रकार हैं रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषाकापी, शंभु, कृपादि, रेवा, मृगव्या, सर्वा और कपाली एवं 2 प्रकार है अश्विनी और कुमार। कोटि है 12 + 8 + 11 + 2 = 33 कोटि। अगर कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ा है तो इस जानकारी को आप अच्छे से समझिए और आगे भी प्रचार व प्रसार करिएगा। अब बारी है कि इसकी जानकारी को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने भारत की संस्कृति को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर अपने बच्चों को जरूर बताएं। उन्हें बताएं कि 2 पक्ष हमारे संस्कृति में होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं था। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 धाम हैं, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर धाम। 4 पीठ हैं, शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ, बद्री धाम, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 अंतकरण हैं, मन, बुद्धि, चित, अहंकार। 5 गव्य, गाय का घी, दूध, दही, गौमूत्र, गोबर। और 5 देव हैं, गणेश, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 6 दर्शन हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा, सप्तऋषि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। 7 पुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, शिनकांची, विष्णुकांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। 8 योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। 8 लक्ष्मी हैं, आगत, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी। 9 दुर्गा हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य,
अग्नि, आकाश एवं पाताल मुख्य 11 अवतार हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं वाल्मीकि। 12 मास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। 12 राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ कन्या। 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, बैजनाथ, रामेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, दुष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर। 15 तिथियां हैं प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। स्मृतियां हैं मन, विष्णु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगीरा, यम, आपतस्तम, सर्वत्र कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, सतातप, वरिष्ठ। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ